सुखदेव जी वहां से सन्यास लेने के लिए चले गए। बाद में सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन श्री व्यास जी ने कराया और ये कथा सूत जी महाराज ने, एक बार 88,000 संत विराजमान थे, उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज के आगमन होते ही सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। संतों को आसन पर बिठाया, सूत जी आसन पर विराजे। सारे संतों ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवी क्रियते कथम। अब कहा गया कि सूत जी महाराज जब आए तो सूत जी महाराज को देखकर सारे संत खड़े हो गए। संतों को बिठाया, सौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु आप हमें कथा सुनाइए। कथा के वक्ता हैं सूत जी, श्रोता हैं सौनक जी। सूत जी से प्रश्न किया गया कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवी क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा श्रवण करा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप जिस कथा को श्रवण करना चाहते हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? एक बार राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी सुकताल में कथा सुना रहे थे। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहने लगे, एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता। हे प्रभु, सुकम नत्वा वदन सर्वेश्व कार्य कुशला सुरा। हे प्रभु, आप हमें कथा, इंद्र ने कहा कथा अमृत हमें पिला दो और ये जो स्वर्ग का अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, कैसे बताऊं, कैसे संभव है? ये कथा आपके स्वर्ग का अमृत क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि? आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी कथा अमृत तो मणि है। कांच का टुकड़ा लेकर भला अपनी मणि कौन दे सकता है? मैं आपको कथा, सुखदेव जी ने इंद्र को भी कथा के योग्य नहीं समझा और इंद्र को कथा नहीं सुनाई। जब 7 दिन की कथा में राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, तब राजा परीक्षित के उद्धार होते ही इंद्र को लगा, कथा में ऐसा क्या है कि 7 दिन की कथा में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ी। तब स्वर्ग लोक में एक तराजू बांधी ज्ञान की, एक पलड़े पर स्वर्ग का अमृत रखा और दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रख करके तौल करके देखा। जब तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा कमजोर था। इंद्र को लगा, भाई हमारे स्वर्ग के अमृत की तो कोई वैल्यू ही नहीं। तब इंद्र खुद पलड़े पर चढ़ गए, सब कुछ रख दिया पर भागवत का पार ना पा सके। चरणों में गिर पड़े इंद्र, प्रभु क्षमा करना, शायद मुझसे अपराध हो गया। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र मैं और कहीं नहीं हूं, मैं तो भागवत में हूं। मैं कहां रहता हूं? भगवान कहां रहते? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत और भगवान ये दो नहीं है, वही भागवत है, वही भगवान है। भागवत प्रत्यक्ष ईश्वर कृष्ण रूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। अब इंद्र का अहंकार खंडित हुआ, इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया।